रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर ये एक प्रोसेस है जिसमें एक वेक्टर को हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं इनटू टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर में तोड़ते हैं इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर, कि अगर उन्हें जोड़ा जाए तो वापस से सेम वेक्टर वापस आ जाएगा जिसको तोड़ा। कुछ मजा नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया कि तोड़ जोड़ क्या हो रहा है, वेक्टर टूटता है मतलब तोड़ दे, ये कोई बात नहीं बनी। एक्चुअल में हुआ क्या मैं आपको बताता हूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आता है, बस बताने का तरीका मैं चेंज कर रहा हूं। जैसे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने एक एग्जाम्पल किया था कि सपोज आपके पास एक ये मान लो y एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस है, ठीक है। और मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम कि एक बॉल है, एक बॉल की x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी गिवन है जैसे 1 मीटर पर सेकेंड, हमने किया भी था ना ये, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड ऐसे कुछ, राइट ऐसे किया था। और इस बॉल की y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी v ऑफ y गिवन है मैग्नीट्यूड में रूट 3, याद करो ऐसे ही था। और मैंने कहा था नेट वेलोसिटी क्या है, नेट वेलोसिटी के लिए आपने क्या ड्रॉ किया था, पैरेललोग्राम, ऐसे ऐसे किया था, और फिर क्या बनाया था इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, v वेक्टर था। इस वेक्टर का नाम क्या है, vx वेक्टर है और मैग्नीट्यूड vx है। इस वेक्टर का नाम क्या है, v वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसका v है। इस वेक्टर का नाम क्या है, v y वेक्टर है और मैग्नीट्यूड क्या है इसका, vy। तो ऐसा बना था। तो v की वैल्यू क्या थी, अगर ये रूट थ्री साइड है तो ये भी रूट थ्री है, ये वन है तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर आंसर आएगा v का। ऐसे किया था हमने कि v की नेट वैल्यू क्या होगी, ये पाइथागोरस लगा दी, ये साइड बताई ये साइड बताया, आंसर क्या, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। ऐसे किया था हमने। तो अगर मैं आपको दो कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी दूं, दो वेलोसिटीज दूं x और y में और नेट वेलोसिटी पूछूं, तो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आंसर निकाल लोगे, ठीक है यहां तक। और रादर ये भी तो बोल सकते हो इसके अंदर कि अगर मैं मैग्नीट्यूड में नहीं काम कर रहा, मान लो मैं मैग्नीट्यूड में काम नहीं कर रहा, मैं वेक्टर में काम करना चाहता हूं, चलो मैंने वैल्यू नहीं दी, मैं हटा लेता हूं ये वन का जो ये कॉन्सेप्ट है मैंने हटा लिया, तो इसके अंदर सपोज ये रिजल्टेंट है, ठीक है ये रिजल्टेंट है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये वी एक्स वैक्टर है, ये वी वाई वैक्टर है और ये वी वैक्टर है। वैक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, वी एक्स वैक्टर प्लस वी वाई वैक्टर, तो वी वैक्टर इक्वल टू वी एक्स वैक्टर प्लस वी वाई वैक्टर, कोई डाउट इसमें। तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड के साथ भी काम करना सिखाया, वी कैसे आएगा और वैक्टर फॉर्म भी क्लियर है, राइट। तो मैंने आपको दिया क्या था, वी एक्स वेक्टर और वी वाई वेक्टर, और क्या पूछा, नेट वेलोसिटी वी वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है आपको मैं वी वेक्टर दूंगा, उल्टा करूंगा, आपको नेट वेलोसिटी दूंगा और आपसे क्या पूछूंगा, वी एक्स वेक्टर और वी वाई वेक्टर। पहले मैं क्या क्या देता था, वी वाई और वी एक्स वेक्टर देता था, नेट वेलोसिटी निकलवाता था, तो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते थे। अब मैं आपको नेट वेलोसिटी दूंगा वी वेक्टर और मैं क्या निकालूंगा उसका, vx वेक्टर और vy वेक्टर, कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं इसे। तो v वेक्टर का एक कॉम्पोनेंट vx वेक्टर है और एक कॉम्पोनेंट vy वेक्टर, तो इसकी कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी पूछूंगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब आप एक v वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स निकालते हो, एक x के अलोंग और एक y के अलोंग, तो दो नए वेक्टर निकलते हैं vx वेक्टर और vy वेक्टर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सच दैट ये जो नए वेक्टर निकले अगर मैं इन्हें मिला दूं, जोड़ दूं बाय पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, तो मेरा पुराना नया वेक्टर, पुराना वेक्टर आ जाएगा v वेक्टर जिसको मैंने तोड़ा था, तो जिसको मैंने स्प्लिट किया था, तो जो इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो ये vx वेक्टर और vy वेक्टर v वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, तो अगर मैं इन कंपोनेंट्स को मिला दूं वापस, तो ओरिजिनल वेक्टर v वेक्टर वापस तैयार हो जाएगा। तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि ट्राइंगल लॉ का बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है, ट्राइंगल लॉ में दो वेक्टर, सॉरी पैरेललोग्राम का उल्टा काम हो रहा है, पैरेललोग्राम में दो वेक्टर गिवन होते हैं, रिजल्टेंट पूछा जाता है, इसमें रिजल्टेंट दे रहा है, दो कंपोनेंट्स पूछे जा रहे हैं, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। अब कैसे काम करेगा ये देखो, सपोज करो आपके पास मान लो ये सपोज क्वेश्चन में गिवन है कि वी वेक्टर गिवन है, मान लो ये वी वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है,
आपको साथ में ये भी गिवन है थीटा एंगल, क्योंकि जब पैरेललोग्राम करते थे तो मैं आपको दो वेक्टर देता था, वी एक्स वेक्टर वी वाई वेक्टर, आप वी वेक्टर निकालते थे, अब वी वेक्टर का मतलब वैल्यू एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आप एंगल भी निकालते थे। तो अगर मैं आपको दो वेक्टर दूं तो आपसे वी वेक्टर पूछूं तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकालोगे और साथ में से डायरेक्शन भी निकालोगे। अब उल्टे काम में जब उल्टा करेंगे, रेजोल्यूशन करेंगे, तो उल्टा काम होगा, क्या काम होगा, वी वेक्टर में मैं आपको वी का मैग्नीट्यूड भी दूंगा और डायरेक्शन भी दूंगा, आपसे क्या पूछूंगा, वी एक्स वेक्टर और वी वाई वेक्टर बता दो, दो चीजें दूंगा, ये और ये, और आपसे वी एक्स वेक्टर वी वाई वेक्टर पूछूंगा। तो तरीका क्या है, इसका मेथड है कि आप सिंपल एक पर जो वेक्टर है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना यहां नीचे की तरफ ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर है, कर लिया, और ये जो वेक्टर निकल के आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, इस वेक्टर का नाम क्या होगा, वी एक्स वेक्टर, राइट, तो इसका नाम ऑटोमेटिकली वी एक्स वेक्टर। और अगर वाई कंपोनेंट निकालना है इसका, तो वाई कंपोनेंट में ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रहा, तो ये क्या आ गया मेरे पास, वी वाई वेक्टर। तो कैसे बनेंगे कंपोनेंट्स वेक्टर, समझ में आ रहा है, कंपोनेंट कैसे तैयार होते हैं, कुछ नहीं करना, जो मेन वेक्टर है परपेंडिकुलर एक्स पे परपेंडिकुलर वाई पे, अपने आप ही दो वेक्टर तैयार हो जाएंगे आपके सामने, अपने आप ही पैरेललोग्राम तैयार हो गया। और इसमें खास बात यह है, जब आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से एक पैरेललोग्राम तैयार करते हो तो उसमें ये दो वेक्टर में एंगल हमेशा क्या आएगा, 90 ही आएगा, 90 ही आएगा, क्यों, क्योंकि दो कंपोनेंट जो निकलेंगे वो एक्स पे निकलेंगे और वाई पे निकलेंगे, और एक्स और वाई के बीच में हमेशा एंगल क्या होता है, 90, क्लियर है। इसीलिए इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि पैरेललोग्राम किस शेप में नजर आ रहे हैं आपको, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो वी वेक्टर का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वी एक्स वेक्टर, और वी वेक्टर का दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वी वाई वेक्टर, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, और वी एक्स वेक्टर और वी वाई वेक्टर को ऐड करेंगे तो वी वेक्टर आ जाएगा, पहला स्टेप क्लियर है, ठीक है। दूसरा, सपोज करो आपको इस क्वेश्चन के अंदर मैंने मान लो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वी है, ठीक है, समझते हो, लेंथ इसकी वी है, ठीक, मैं वेक्टर में काम नहीं कर रहा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुझे इसकी लेंथ बता सकते हो, लेंथ का मतलब इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो, तो इस वी एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी एक्स, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी वाई, वेक्टर हटा दो तो लेंथ आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। तो इस ट्राइंगल में अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, वी एक्स डिवाइडेड बाय वी, तो वी एक्स क्या आएगा, वी कॉस थीटा, ऐसे ही आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वी कॉस थीटा, तो वी एक्स का मैग्नीट्यूड वी कॉस थीटा, राइट, लगा दी मैथ्स लगा दिया, आंसर आ गया। उसी तरीके से अगर मैं ये पूछूं कि वी वाई का मैग्नीट्यूड क्या है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो ये लेंथ भी क्या है, वी वाई। इस ट्राइंगल में अगर आप साइन थीटा निकालें तो वी वाई डिवाइडेड बाई वी, वी वाई बाई वी, तो वी ऑफ वाई क्या होगा, वी साइन थीटा, राइट, तो वी वाई का मैग्नीट्यूड क्या आ गया इसका, वी साइन थीटा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, आप सोच रहे होंगे कि ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए एक काम करो, जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, मान लो मैंने आपको एक वेलोसिटी वेक्टर दिया और मैंने कहा कि ये वेलोसिटी वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, न्यूमेरिकल के साथ समझाता हूं, ठीक, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसके काम करो दो कंपोनेंट्स निकालो वेलोसिटी के, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। तो कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या बताया था, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में जब आप ड्रॉ करोगे तो ये जो साइड आएगी, ये जो वेक्टर बनेगा रादर, ये क्या होगा, वी एक्स वेक्टर, पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, वी एक्स। उसी तरीके से अगर यहां पर हम ड्रॉ करें, ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, वी वाई मैग्नीट्यूड में, और क्वेश्चन है वी एक्स और वी वाई निकालो, तो क्या तरीका बताया, इसमें कॉस ऑफ 60 बोलो क्या होगा, वी एक्स डिवाइडेड बाई 10, तो v ऑफ x क्या होगा, 10 इंटू कॉस ऑफ 60, कर लोगे सॉल्व। उसी तरीके से अगर वी वाई निकालना है
तो ये लेंथ भी वी वाई हो जाएगी, तो साइन ऑफ 60 की वैल्यू क्या आएगी, वी वाई डिवाइडेड बाई 10, तो वी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 साइन 60। तो समझ में आ रहा है कि अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर वी दूं और आपसे दो कॉम्पोनेंट्स पूछूं तो कॉम्पोनेंट्स की वैल्यूज कैसे आएगी, समझ में आ रहा है यहां तक, कुछ भी नहीं है, मैथ यूज कर रहे हैं, क्लियर है। यहां पे दो, हाँ जी ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो जैसे सपोज करो आपको एक और क्वेश्चन, मान लो एक बॉक्स है, ठीक एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे किसी ने फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई, 10 न्यूटन लगाई, ठीक है 10 न्यूटन लगाई। अब जब ये बॉक्स पे चेन के साथ खींच रहे हैं, मान लो कोई बच्चा वो चेन के साथ टॉय को खींच रहा है, तो टॉय कैसे जाता है, ऐसे खींच रहा है ना, तो थोड़ा ऊपर भी हो जाता है, और जैसे कार है गाड़ी है दो पहिए हवा में है और दो पहियों के साथ चल रहा है, तो खिलौना ऐसा हो जाएगा, खींच रहे हैं बच्चे खींचते हैं, तो ज्यादा खींचेगा ऊपर थोड़ा और उड़ जाएगी, कम खींचेगा ऐसे होगा, लेट के खींचेगा बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो कोई स्टूडेंट या कोई भी बच्चा 10 न्यूटन से खींच रहा है, और सपोज एक्स ग्राउंड के साथ इस फोर्स का एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्वेश्चन है क्योंकि ये टॉय आगे भी जा रहा है और थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा है, तो आगे जाने की फोर्स क्या होगी, आगे जाने की जो फोर्स है वो मान लो एफ ऑफ एक्स होगी, और ऊपर जाने की फोर्स क्या होगी, एफ ऑफ वाई, तो आपको एफ एक्स एफ वाई निकालना है। तो वही रूल सेम, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, तो इसके अंदर कॉस ऑफ 60 क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ये लेंथ कितनी है 10, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इंटू कॉस ऑफ 60। और उसी तरीके से ये जो साइड है वो एफ ऑफ वाई होगी, तो साइन ऑफ 60 की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 10, तो एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा, 10 इंटू साइन ऑफ 60। देखो दोनों फोर्सेस की वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट, इसे बोलते हैं मोशन इन 2D, क्योंकि यहां पर हर चीज किस में चल रही है, 2D में, x में अलग चल रही है, y में अलग चल रही है। देखो ये देखो, इसमें प्रोसेस समझते हैं पहले, तो अब डेफिनेशन समझ में आएगी, क्या प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर, ये स्कूल में आती है डेफिनेशन, स्प्लिटिंग अ वेक्टर, वेक्टर को तोड़ना है इनटू टू और मोर वेक्टर्स। जैसे मैंने दो वेक्टर में तोड़ के दिखाया, तीन में भी टूट सकते हैं, कैसे, 3D में, 3D में क्या होता है, एक्स वाई और जेड, तो ये वेक्टर हवा में 3D में है, तो इसका एक परपेंडिकुलर एक्स पे गिरेगा, एक वाई में गिरेगा और एक जेड में, पर फिगर बनानी बड़ी मुश्किल है 3D में, इसलिए हम किस में काम करते हैं, 2D में, 3D में इस रिजल्ट को एक्सपैंड कर दिया जाता है, कैसे करते हैं अभी दिखाऊंगा। पर अगर 2D की बात करें तो एक वेक्टर को दो में कंपोनेंट में हमने तोड़ दिया, दो से ज्यादा भी तोड़ सकते हैं, वो कह रहे हैं सच अ वे दैट कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर, तो कंबाइंड इफेक्ट सेम है, आप अगर मान लो उन दो कंपोनेंट को वापस मिलाए तो आपको ओरिजिनल वेक्टर वापस मिलेगा। The vector into which a given vector is splitted, तो ये vector इन दो हिस्सों में टूट गया, px vector, py vector, इनको क्या बोलते हैं, component of vectors, ठीक है यहाँ तक, ये component of vectors है। तो इसके अंदर अभी मैंने क्या बताया, ये cos theta की value क्या होगी, px upon p, तो px की value हो गई, यहाँ पर sin theta की value क्या आएगी, py divided by p, तो ये py की value हो गई, ठीक है यहाँ तक। अब एक बात बताओ, वेक्टर एडिशन से है ना, अगर वेक्टर एडिशन की बात करें तो ये पी वेक्टर रिजल्टेंट है किसका, पी एक्स वेक्टर एंड पी वाई वेक्टर का, तो क्या मैं ऐसा लिखूं कि पी वेक्टर, क्या मैं ऐसा लिखूं, पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई, क्या ये पॉइंट क्लियर है, सही की गलत, सही की गलत, गलत क्यों,
क्योंकि ये एक वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऐड करके वेक्टर कैसे बन सकता है? दो वेक्टर को ऐड करके वेक्टर बनेगा। तो अगर आपने यहां वेक्टर लगाया तो पैरेललोग्राम से इसको वेक्टर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? आप ऐसे कर नहीं सकते। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं, p इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई। अब ठीक है, वेक्टर 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 हट गया, क्या पॉइंट क्लियर है? ये सही गलत? बहुत बढ़िया, कहानी फिर वही आ गई। पी एक्स की वैल्यू 10 है, पी वाई की वैल्यू 5 है, तो आप कहते हो जी ये 15 है। भी आपने बोला, मैंने नहीं कहा, आपने कहा ये 10 है, ये 5 है, तो आपने कहा सही है 15 है। हाँ ठीक है, मैथ्सवेल टीचर को जाके बोलना सब नया मैथ आया है मार्केट में, वो पढ़ाना शुरू करो। ये ट्राइंगल है, राइट एंगल, पाइथागोरस को भूल जाओ, नोबेल प्राइज लेके आना, पाइथागोरस को फेल करके 10, 5 और 15। भाई ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगेगा, पाइथागोरस लगेगी इसमें, गलत है, ये भी गलत है, नहीं लगाना। तो फिर क्यों बोला 15? सबसे पहले तूने बोला 15। समझ में आ रहा है? ये कॉमन मिस्टेक है आपकी। बहुत लोग फ्लो में आते 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 आते, ओ वेक्टर नहीं है, हटाओ वेक्टर वेक्टर वेक्टर, हो गया काम खत्म। गलत नहीं करना। अगर यही करना होता तो फिर दो लेक्चर से क्या कर रहे हैं बैठ के? कुछ भी नहीं, फिर तो ऐसे ही एक लाइन में खत्म कर देते, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी खराब होगी। तो ये करेक्ट है, वेक्टर फॉर्म में करेक्ट है ये, राइट? स्केलर में ऐसा करेक्ट नहीं है। तो मुझे पता है कि पी वेक्टर पी एक्स वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर कर सकता हूं। अब पी एक्स वेक्टर की वैल्यू बोलो क्या है, हमने क्या निकाली थी? पी कॉस थीटा। तो इसकी जगह हम ऐसा करें, पी वेक्टर, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर, ऐसे करें, पी वेक्टर की जगह पी एक्स की जगह पी कॉस थीटा, पी वाई की जगह पी साइन थीटा। सही है गलत है? गलत है अभी भी। क्यों? हाँ, क्योंकि ये तो वैल्यूज हैं, डायरेक्शन लिखी नहीं, जबकि ये क्या है? पूरा वेक्टर है, तो वेक्टर का मतलब वैल्यू प्लस डायरेक्शन। तो आपको लिखना पड़ेगा पी एक्स वेक्टर में पी कॉस थीटा विद डायरेक्शन। पी कॉस थीटा किस तरफ है? अलोंग एक्स एक्सिस। पी साइन थीटा कहां पर है? अलोंग वाई एक्सिस। कोई डाउट इसमें? तो अब ये सही है, क्योंकि ये वेक्टर है, अब ये पूरा वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर है। ठीक है, यहां तक इसको यही रोक लो, फिजिक्स को, मतलब इस स्टेप को रादर। हम अब एक कॉमन चीज करने वाले हैं जो मैथ वाले और फिजिक्स दोनों यूज करते हैं, और वो है यूनिट वेक्टर। मैंने कहा था डेफिनेशन के टाइम यूनिट वेक्टर काफी रोल प्ले करेगा। तो 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर वो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है। तो हमारे पास 3 एक्सेस हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्स की लेंथ तो बहुत होती है, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एक वेक्टर ड्रॉ किया जाए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, और उसका नाम आई कैप है। आपको के कुछ और हो सकता है, आप किसी भी कंट्री में जाके पढ़ लेना, वो आई कैप ही बोलेगा। ठीक है, तो आई कैप है, और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है? जे कैप है, स्टैंडर्ड है ये, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप है। ठीक है, कोई नाम चेंज नहीं है इसका। I along x axis, j along y axis, k along z axis. Minus I का मतलब यूनिट वेक्टर along negative x axis. इसका negative वेक्टर हो जाएगा ना, तो negative का मतलब इस तरफ बनेगा, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? Negative x axis को। Minus j cap का मतलब नीचे, negative y axis. Minus k cap, negative z axis. क्लियर हो गया यहां तक? अब सपोज करो आपको एक क्वेश्चन के अंदर, इमेजिन करो ए वेक्टर वो दे रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग ए वेक्टर, जो बिल्कुल भी यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 10। तो आप ए वेक्टर को क्या लिखेंगे? देखो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों लिखना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन कहां है? अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, इतना लंबा लिखते नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस, पीछे लगा देते हैं इसकी जगह आई कैप, क्योंकि आई कैप क्या होता है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये भी क्या होगा? एक्स एक्सिस, तो ए वेक्टर एक्स एक्सिस। क्लियर है यहां तक? आपको फिर इसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप अगर इसका मॉड लोगे, मॉड का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, तो 10 का मैग्नीट्यूड तो 10 ही आएगा, और आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो ये पीछे आई कैप लगाने से वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आया, जबकि फायदा क्या हो गया? डायरेक्शन का फायदा हो गया। तो आज के बाद अलोंग एक्स एक्सिस का सिंपल आई कैप लिख देंगे। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन बताने का काम होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करता नहीं है,
तो डायरेक्शन बता देता है, जिसके पीछे आई कैप है अलोंग एक्स एक्सिस है, जिसके पीछे जैसे जब मान लो ए वेक्टर, ए वेक्टर 10 अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस नहीं लिखेंगे आज की बात, क्या लिखेंगे जे कैप। तो अगर ये वेक्टर है तो पीछे आई जे पक्का आएगा, तो अगर अकेला ए है अकेला 10 आएगा, तो इस केस में मैग्नीट्यूड लेंगे तो अकेला 10 आ जाएगा, और ऐसे अगर जेड एक्सिस है तो पीछे क्या लगाएंगे के कैप। अब देखो 3D में जा रहे हैं, डायग्राम में दिखा रहा के कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 10 आएगा। हमारा क्वेश्चन कहाँ रुक गया था, पी वेक्टर इज पी कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, पी साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस की जगह क्या लिखेंगे आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस की जगह क्या लिखेंगे जे कैप। तो हमारा पी वेक्टर लिखने का ये तरीका है। आज के बाद जो हमने ऊपर वो डायग्राम बनाया वो कुछ ना बनाएंगे, सिर्फ यही बनाएंगे, बस ये लिखेंगे पी वेक्टर इसके इक्वल है जी। ये देखते ही आपको समझ में आएगा कि पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट पी कॉस थीटा अलोंग आई कैप है मतलब एक्स एक्सिस है, और एक पी साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस है। आप इमेजिन कर लेंगे ऐसा कुछ होता है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब जैसे सपोज करो पी वेक्टर आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा 3i कैप 4j कैप। अब ये देखते ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसके दो कंपोनेंट हैं, एक की वैल्यू 3 है एक की वैल्यू 4 है, एक अलोंग x एक्सिस एक अलोंग y एक्सिस, तो x एक्सिस की अलोंग वैल्यू क्या है 3, y के अलोंग वैल्यू क्या है 4। ठीक है यहां तक, तो डायग्राम मन में ऐसा बनेगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ p का मैग्नीट्यूड क्या है, अब आप यहां पैरेललोग्राम लाओ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 ये 4 तो ये 5, तो p की वैल्यू क्या आएगी 5। क्लियर है यहां तक। तो आज के बाद आपको अगर ऐसा p वेक्टर गिवन हो और आपसे p का मैग्नीट्यूड पूछे तो आप क्या करोगे, पहले आप 3 बनाओगे x एक्सिस के अलोंग, 4 बनाओगे y एक्सिस के अलोंग, और फिर पैरेललोग्राम से इसका आंसर निकालोगे। इसके अंदर p वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप में मैंने ऐसा किया पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम में ये साइड 3 है ये साइड 4 है, तो दोनों का एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो p की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, और एंगल इनके बीच में क्या है 90। पर मेरे को लगता है ये करने की जरूरत क्या है यार, राइट एंगल बनना ही राइट एंगल है, क्यों बनना है, क्योंकि कॉम्पोनेंट हमेशा 90 डिग्री पे बनने हैं। तो चलो एक काम तो अच्छा है, इसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, पाइथागोरस से हमारा काम चल जाएगा, एक साइड 3 एक 4 तो ये 5, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, पहले तो ठीक है। तो सपोज करो जैसे ये पी वेक्टर क्या गिवन है, पी वेक्टर गिवन है पी कॉस थीटा आई कैप पी साइन थीटा जे कैप। अब आप मन में सोच सकते हो कि पी वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक कॉम्पोनेंट एक्स के अलोंग है पी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट वाई के लॉन्ग है पी साइन थीटा, और अगर मैं ये पूछूं कि इनका रिजल्टेंट क्या है तो ये रिजल्टेंट है, तो अगर ये पी कॉस थीटा है ये पी साइन थीटा तो ये भी पी साइन थीटा है, तो ये क्या आएगा अंडर रूट ऑफ पी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस पी साइन थीटा का स्क्वायर। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे पी कॉस थीटा का स्क्वायर पी साइन थीटा का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वन होता है, आंसर वापस से पी आ जाएगा। इसका मतलब सही है कि जस्ट ये तो वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं आएगा, आपको ऐसा आएगा 3 और 4 के साथ आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब इसका भी और शॉर्टकट है, हम ये भी नहीं करेंगे आज के बाद, क्योंकि हमें पता ही है करने का फायदा क्या है, एक साइड 3 बन जाएगी एक 4 बन जाएगी, पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ही आंसर आएगा। हम शॉर्टकट ये करेंगे कि अगर आपके पास मान लो क्वेश्चन में ये पी वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, शॉर्टकट ये है, मन में पता है कि 3 और 4 और 5 आएगा, आए का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, आंसर डन 5, ले हो गया शॉर्टकट, बनाता रहे थीटा ऊपर के नीचे। मैं कहता हूँ हाथ ही लगाना पेन को, तेरे को पी वेक्टर दूंगा, तेरे से पी का मैग्नीट्यूड पूछूंगा, तो आए के कोफिशियंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर सीधा 5। ये देख पी वेक्टर इसके इक्वल है, पी की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ले 3D में चलते हैं, पी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं, पता नहीं कैसे हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्स में भी वाई में भी और जेड में भी, तो आंसर क्या आएगा 1 का स्क्वायर
वन का स्क्वायर और टू का स्क्वायर, क्लियर है? ये तो समझ में आया ऐसा क्यों हुआ पाइथागोरस, कई लोगों को समझ नहीं आता ये कैसे हुआ, इसमें कौन सी पाइथागोरस है। तो ये समझने के लिए आप इमेजिन कर लो, ये देखो, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है वैसे, तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई 3D फिगर है, ये रही 3D फिगर है, तो इमेजिन करो कि ये ओरिजिन है, एक वेक्टर ये रहा, मान लो एक वेक्टर ये रहा एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग मान लो ये एल वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलोंग ये बी वेक्टर है, और जेड एक्सिस के अलोंग ये एच वेक्टर है, तीन वेक्टर्स हैं। तो इसकी साइड क्या है, बी, इसकी दूसरी साइड क्या है, एल, इसकी तीसरी साइड क्या है, एच, तो ये बनेगा इसका रिजल्टेंट। इसकी लेंथ क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और ये जो वेक्टर बनेगा, मान लो ये इस वेक्टर का नाम पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर को पता हूं कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, इस ये मान लो एल जो है वो किसके अलोंग है, अलोंग एल की जो वैल्यू है वो अलोंग आई कैप है, बी की वैल्यू अलोंग जे कैप है, और ऐसी एल एच की वैल्यू अलोंग, तो ज्योमेट्री बनाएंगे तो डायगोनल बनेगा, और कौन बनाएगा ज्योमेट्री, कोई ना बनाता ज्योमेट्री, ये तो वैसे दिखा रहा हूं मैं आपको, कुछ नहीं करना, शॉर्टकट, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे का और के का, लो ये पी की वैल्यू आ गई, डन। समझ में आ रहा है, जैसे 2D में ऐसे 3D में, 3D में तो हम फिगर बनाएंगे नहीं, बहुत मुश्किल है बनानी, 2D में बनाएंगे, पर 3D को हमने एक्सपैंड कर दिया आगे, कैसे, अगर 3D है तो P की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। फिर अगर मान लो P वेक्टर के आगे बना है आई कैप माइनस टू जे कैप, अब आई कैप माइनस टू जे कैप के अंदर क्या है, एक कॉम्पोनेंट क्या है अलोंग एक्स एक्सिस, वैल्यू क्या है उसकी 1, एक कॉम्पोनेंट क्या है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, मैग्नीट्यूड क्या है 2 की माइनस 2, मैग्नीट्यूड तो कोई नेगेटिव होता ही नहीं, तो 2, तो ये 2 नेगेटिव जो है वो 2 का नहीं है, वो जे का नेगेटिव है, तो जे अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो माइनस जे नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो कॉम्पोनेंट इसका 1 है अलोंग एक्स एक्सिस, कॉम्पोनेंट इसका दूसरा 2 है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक हो गया। तो अगर आपको इसकी पी की वैल्यू निकालनी है तो आई के कोफिशियंट का स्क्वायर 1 और जे के कोफिशियंट का स्क्वायर माइनस 2 लगाओ, 2 लगाओ, फर्क क्या पड़ता है, होल स्क्वायर आंसर रूट 5, ठीक है, यहां तक आंसर तो सेम ही आएगा। जैसे पी वेक्टर इसके इक्वल है तो पी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आंसर, तो समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो पी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अब जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लो आपके पास प्रॉब्लम है कि ये रही, मान लो ये आप यहां पर खड़े हो, आपने एक बॉल को किक किया और 10 मीटर पर सेकंड के साथ, ये नेट वेलोसिटी आपको दे रहा हूं मैं, 10 के साथ आपने किक किया तो बॉल जाएगी और सामने ग्राउंड पे गिरेगी, तो एक्चुअल में तो बॉल ऐसे जो पाथ है वो ऐसा होगा पैराबोला की तरह, एक्चुअल में ये होगा, जब किक किया था वो ये पॉइंट है, ये यहां पे किक हुआ है, ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट है, टेंजेंट, देखो वेलोसिटी गोल नहीं होती, वेक्टर गोल थोड़ा होता है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो हमने इस डायरेक्शन में इसको छोड़ा था, पर प्रॉब्लम यह है कि ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया, मैं चाहता अगर ग्रेविटी ना होती तो ऐसी जाती बॉल, लेकिन ग्रेविटी ने इसको खींचना शुरू किया तो ये ऐसे गिर गया, ऐसे ही होता है। तो आपको ये बताना है कि जब मैंने इसको इनिशियली फेंका था तो क्योंकि ये x में भी जा रही है बॉल और y में भी जा रही है, इसको मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन में जा रही है, तो ये x में भी जा रही है y में भी जा रही है, तो इसका x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, ये आपको इसमें बताना है कि x कॉम्पोनेंट क्या होगा और y कॉम्पोनेंट क्या होगा, इनिशियली जब उसको किक किया था, बी रास्ते में तो वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जैसे 10 मीटर पर सेकंड से गिरा, ये 60 डिग्री है, तो ये क्या है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट कैसे बनते हैं, कंपोनेंट ऐसे बनते हैं कि अगर आपको वी वेक्टर गिवन है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, तो एक कंपोनेंट, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट वी एक्स वेक्टर है और ये कंपोनेंट वी वाई वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या है वी एक्स और वी वाई, तो आप इसमें क्या करेंगे,
आप इसके अंदर अगर ये निकालना चाहते हैं vx, तो ये वैल्यू कितनी है 10, तो cos ऑफ 60 क्या होगा, cos 60 इज इक्वल टू vx डिवाइडेड बाय 10, तो vx क्या आएगा 10 cos 60, और अगर ये vy है तो ये क्या हो जाएगा vy, तो sin ऑफ 60 क्या हो जाएगा vy डिवाइडेड बाय कितना 10, तो vy की वैल्यू 10 sin 60। क्लियर है यहां तक? पर आप ये भी नहीं करेंगे आज के बाद, कौन बनाएगा पैरेललोग्राम, आप शॉर्टकट करेंगे। V आपको ये 10 गिवन है, इतने एग्जांपल के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमेशा कॉस में बनता है और ये साइन में, तो जिसके साथ एंगल 60 बना हुआ है या थीटा बना हुआ है वो कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा, तो सीधा बोलो 10 कॉस 60, और जिस परपेंडिकुलर के साथ एंगल नहीं बना हुआ वो क्या होगा V, यानी कि 10 साइन 60, खत्म। तो आज के बाद हम ये ट्रायंगल पैरेललोग्राम कुछ नहीं बनाने वाले, आपको ये गिवन होगा 10 और वो पूछेगा व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी इनिशियली, तो आप सीधा बोलोगे 10 cos 60 और वाई एक्सिस में क्या होगा 10 sin 60। आंसर एक मिनट में आंसर आएगा, ले इससे शॉर्टकट क्या होगा, ये मैं बात कर रहा, तू कह रहे वो 30 बना लेंगे 60 बना लेंगे, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं करेंगे, ये ले तू बता 10 cos 60 10 sin 60 खत्म, कोई ट्रायंगल पैरेललोग्राम नहीं बनाएंगे। ये देख सपोज करो पोज करो, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन एक और है, 10 न्यूटन की फोर्स है 30 डिग्री है, तो आपको एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स बताना है, तो सीधा बोलो 10 कॉस 30 10 साइन 30, सिंपल एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ गया डन, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ना जान के एंगल्स चेंज करके दे सकता है, कैसे, जैसे वो कहेगा ये फोर्स है और ये एंगल थीटा है, तो एक्स कंपोनेंट बोलो क्या होगा, आप बोलेंगे एफ कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना एफ साइन थीटा, आ गया आंसर। लेकिन कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा करेगा कि एफ फैक्टर का एंगल यहां देने की बजाय यहां दे देगा, तो एफ का कॉम्पोनेंट क्या बनेगा थीटा के साथ एफ कॉस थीटा, थीटा के साथ हमेशा कॉस, और जहां नहीं बना वहां उल्टा हो गया, करके देख लो cos थीटा क्या होगा दिस साइड fy अपॉन f, देखो cos आ गया। हाँ अगर कंफ्यूजन हो रही है तो तेरे वाला मेथड कर लेते हैं, अगर ये थीटा है तो ये क्या करेंगे 90 माइनस थीटा, तो f का कंपोनेंट क्या बनेगा f cos 90 माइनस थीटा, f sin 90 माइनस थीटा, sin ऑफ 90 माइनस थीटा cos ही होता है, दो स्टेप फालतू क्यों करेंगे, तेरा वाला मेथड फिर कैंसिल, तुम क्या करेंगे थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos और जहां नहीं बना वहां sin, और ऐसी थीटा के साथ वाला कॉस जहां नहीं बना हुआ, बस ये सबसे बेस्ट शॉर्टकट है, मैं तो ऐसा ही करता हूं, थीटा के साथ वाला कॉस लेता हूं बाकी साइन, ठीक है बनेंगे 90 डिग्री पे, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो जैसे क्वेश्चन है अ फोर्स एफ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे फोर्स है विद हॉरिजॉन्टल, इफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो कॉम्पोनेंट है वो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट भी कहलाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितना है 50, तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, आप मुझे ये बताओ कि एफ के अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं तो एक्स के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा एफ कॉस 60, तो एफ कॉस 60 की वैल्यू क्या गिवन है 50, तो यहां से सॉल्व करके क्या जाएगा एफ एफ आ गया, और उसने एफ वाई पूछा तो एफ वाई की वैल्यू क्या होगी एफ साइन 60, तो एफ साइन 60 में एफ की वैल्यू साइन 60 पुट करके आंसर,
तो समझ में आ रहा है कि कैसे इसकी एप्लीकेशन करनी है। तो एक कंपोनेंट गिवन है, तो यहां से एफ आएगा, एफ आ गया तो ये कंपोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? सपोज वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 80 इज 40, तो वेलोसिटी 80 का एक कंपोनेंट 40 है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई मर्जी ले लो, दो कंपोनेंट्स हैं इसके, vx और vy, किसके 80 के, तो एक कंपोनेंट 40 है, दूसरा निकाल लो। अब मुझे पता है कि वो v का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो यहां पर v मुझे पता है 80, vx की वैल्यू कितनी है इसमें 40, सॉल्व करके क्या आ जाएगा vy। यहां तक क्लियर है? ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट सीखा था, याद करो हमने क्या सीखा, डेफिनेशन ही की थी, टाइप ऑफ वेक्टर याद है, तो डेफिनेशन में किया था पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और मैंने कहा था कि ये बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है इसको एक बार देखते हैं, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या करना है इसमें, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड ए बी वेक्टर, ठीक है, इट मैग्नेट एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑल्सो, इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट से का, आपको बी के कोऑर्डिनेट से का। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं अपना ही क्वेश्चन पहले करवा दूंगा, एक मिनट पहले। तो इस क्वेश्चन में सपोज वो कहते हैं कि एक कोई बॉडी है वो ए से बी पे चली गई, ए पे थी, ए पॉइंट पे थी और बी पॉइंट पे चली गई, ए पॉइंट पे उसका जो कोऑर्डिनेट था 1, 2 एंड 1 था, कोई कोऑर्डिनेट होगा 1, 2, 1, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 1 एंड -1, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट दे दिए, मैथ्स में कोऑर्डिनेट देते हैं ऐसे कोऑर्डिनेट दे दिए। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको इसमें उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ए से बी हुई तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम क्या होगा, ए बी वेक्टर। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ए बी वेक्टर बताना है क्या होगा, ठीक है। अब आप इमेजिन करें इसे कि सपोज आपके पास ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, सपोज करो एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 1, 2, 1, और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, 1 एंड -1, राइट, और ये ओरिजिन है क्योंकि सारा रेफरेंस ओरिजिन है कोऑर्डिनेट्स का। अगर मैं ये बोलूं कि एक पोजीशन ले रहा हूं मैं यहां की, ये पोजीशन है, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, ए का पोजीशन वेक्टर, याद है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की स्टार्टिंग हमेशा कहां से होती है, फ्रॉम ओरिजिन, तो ओए वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है। इस पोजीशन वेक्टर ओए वेक्टर को लिखेंगे कैसे, ओए वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, ओए वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस, एक अलोंग जेड एक्सिस। वो क्यों, क्योंकि जब वन, अगर मान लो जेड एक्सिस ना होता, वन एंड टू होता, तो ये हिस्सा वन होता, ये हिस्सा टू होता, कोऑर्डिनेट्स यही तो होते हैं। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, वन, ये वन के पीछे आई कैप, टू के पीछे जे कैप और वन के पीछे के कैप। तो ये पोजिशन वैक्टर लिखना आ गया, कोऑर्डिनेट्स देख के पोजिशन वैक्टर को लिखा जा सकता है, लिख दिया वो ये वैक्टर। अच्छा, अब ऐसे ही बी भी, बी का पोजीशन वेक्टर देखें तो बी का पोजीशन वेक्टर का नाम क्या है, ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, क्या कोफिशिएंट है इसके, 2 i कैप 1 j कैप -1 k कैप, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जा कहां से कहां रहा है, ए से बी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा, ए से, और अगर क्वेश्चन में गिवन होता बी से ए तो डायरेक्शन इधर होती, पढ़ना पड़ेगा ए से बी निकालना है या बी से ए निकालना है, क्लियर है। तो आपको ए बी वेक्टर निकालना है इसमें, वो क्या होगा, तो आपको यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर। तो ये बताओ इस ट्रायंगल में रिजल्टेंट कौन है, ओ ए, ओ बी या ए बी, इसमें क्या है,
कितने लोग बोलते हैं ओ बी होगा, ए बी होगा? कैसे डिसाइड करती होगी रिजल्टेंट कौन होगा? क्लोजिंग साइड, जो साइड उल्टा बोलेगी, ये देखो ये वेक्टर इधर गया, ये इसको कॉन्टिन्यूसली आगे, ये देखो सेम ऑर्डर है, ऑर्डर सेम, और ये इसे क्लोज कर रहा है, ऑपोजिट है। ऑर्डर जो क्लोज करता है वो रिजल्टेंट होता है, तो इसमें कौन रिजल्टेंट है? ओबी। पहचान में आ गया? कोई पूछ रहा था ट्रायंगल लॉ और पैलोग्राम की जरूरत क्या है जब एक से काम चलता है, कौन बनाएगा इसका पैलोग्राम बैठ के? अब तो इसलिए ट्रायंगल लॉ की एप्लीकेशन अलग है, पैलोग्राम की अलग है। समझ में आ रहा है? तो इसमें ओबी वेक्टर रिजल्टेंट है किसका? ओ ए वेक्टर का प्लस ए बी वेक्टर का। तो हमें क्या निकालना है? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या है? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इसके अंदर अब हम क्या करने वाले हैं? ठीक, तो इसमें ये देखो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या है? टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस ओ ए वेक्टर क्या है? I कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप। तो ऐसे ओपन करो, टू I कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस I माइनस टू जे माइनस के कैप। तो यहां से ए बी वेक्टर की जो वैल्यू है, अब I वाली टर्म ये I माइनस करके क्या आएगा? I कैप J और माइनस टू जे माइनस जे कैप माइनस टू के, ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए बी वेक्टर। ए बी का मैग्नीट्यूड बोलो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, के आंसर, इतने मीटर आंसर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया रूट थर्ट जो भी होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? पॉइंट समझ में आया कि कैसे हमने वेक्टर पोजीशन के वेक्टर को देख के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, राइट? और कहां अगर ये मैथ्स की प्रॉब्लम होती हम क्या करते? दो तरीके हैं, मुझे पता नहीं आपको कराया कि नहीं कराया, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। पहला तरीका मैथ्स वालों को क्या सिखाते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हुआ है? हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आंसर आता है इसमें, नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैथ्स वालों को समझ में आती है जिसमें किया है। और दूसरा तरीका मैथ्स का, ये साइड का मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्योंकि ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, वन का, ये लेंथ निकाल लो, ये लेंथ निकाल लो, और मैथ्स लगा के ये लेंथ भी निकाल लेना। वो कैसे लगा मुझे नहीं पता, कैसे निकालोगे? कौन करेगा ज्योमेट्रिक आयन लगा लगा के परपेंडिकुलर? ये ज़्यादा बेटर है। तो फिजिक्स का समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं? मैथ वालों को करवाने तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो करवाते हैं वो ज़्यादा आसान है, वैसे ये फिजिक्स वाले तो ऐसे ही यूज करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन के अंदर सेम ही तो क्वेश्चन है, वो कह रहा है ए बी निकाल लो। तो आपको ए कोऑर्डिनेट पता है, बी कोऑर्डिनेट पता है, तो पहले आप पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, और फिर आप क्या निकालोगे? ए बी वेक्टर इधर। तो इसमें रिजल्टेंट कौन बनेगा? ओ बी वेक्टर। वो क्यों? ओ ए वेक्टर और नेक्स्ट है ए बी वेक्टर, और ये क्या है? क्लोजिंग साइड ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो यहां से ए बी वेक्टर आ गया, ओ बी वेक्टर निकाल लेना, ओ ए वेक्टर निकाल लेना, माइनस करना, मैग्नीट्यूड निकालना। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर में तीन किए, आई कैप, जे कैप, के कैप। वो कहता है ना मुझे आई निकालना है, वो तो आपको पता ही है, ना जे ना के। वो कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकाल लो। अब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप कहलाता है, बी वेक्टर का बी कैप, सी वेक्टर का सी कैप। तो ए वेक्टर का ए कैप, अब ए कैप और ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा सेम, पैरेलल है, तो आपको ए कैप निकालना है। तो ए कैप इज ऑलवेज पैरेलल टू ए वेक्टर, इसलिए वो क्या बोल रहा है? यूनिट वेक्टर निकालो पैरेलल टू ए वेक्टर, अंडरस्टूड है, वो ए कैप पूछ रहा है। हमने जब डेफिनेशन की थी यूनिट वेक्टर की, तो हमने क्या किया था? ए कैप इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये किया था। तो वेक्टर ए वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है ए वेक्टर का? अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर और
3 का स्क्वायर, राइट? तो इसका अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा, रूट 14. इसको ब्रेक कर लो, आई कैप बाय रूट 14, दिस एंड दिस, ये आ गया, ये यूनिट वेक्टर है. कई लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू तो 1 होते, छोटा सा होता है, ये इतना बड़ा यूनिट वेक्टर कैसे है? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड 1 आएगा. कैसे? एक काम करो, टेस्ट कर लो, ये यूनिट वेक्टर आ गया ए कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो. कैसे? इसमें आई जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है, लेकिन आपने ये तक छोड़ देना आंसर, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये यूनिट वेक्टर है. कैसे? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर. सॉल्व करो, आंसर चेक करो, 1 आ रहा है. तो देखने में चाहे जितना भी भयानक लगे, है वो यूनिट वेक्टर ही. देखने में कौन कह देगा यूनिट वेक्टर है ये? कोई नहीं कह पाएगा, लेकिन सॉल्व करोगे तो यूनिट वेक्टर ही आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 आएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है सबको यहां तक? तो आपने ये करना नहीं वेरीफाई, विश्वास रखो यूनिट वेक्टर ही आएगा. तो आप सिर्फ ये फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देना, ऑटोमेटिकली यूनिट वेक्टर आएगा. ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है. अब कई लोग कहां कंफ्यूज होते हैं, जरा इसको देख लें. क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सपोज आपको वो कहेगा कि ए वेक्टर या ए का मैग्नीट्यूड इज 10, वो आपको ए का मैग्नीट्यूड देगा 10. दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, बी का मैग्नीट्यूड भी देगा 5. दे दिया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, राइट? क्लियर है? और ये भी कहेगा ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, राइट? और कहेगा रिजल्टेंट निकाल दो, या वो कहेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वेक्टर में दिया कुछ नहीं, सब वैल्यूज ही हैं, पर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकाल दें. अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जगह मैं आर वेक्टर लिख लूं, फिर आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. मॉड लगाने का मतलब सिर्फ क्या पूछ रहा है वो आपसे? आर पूछ रहा है. तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड लगाना या आर निकालना, बात एक ही है. कहीं कंफ्यूज ना हो जाना कि ए की वैल्यू उठा के 10 और ये 5, 10 प्लस 5 15, और पेपर बढ़िया हो गया. क्योंकि पेपर सबके बढ़िया होते हैं, पेपर थोड़ा खराब होता है फिजिक्स का कभी भी, क्योंकि आंसर तो हर कोई निकाल के आएगा अपनी तरफ से, वो तो गलत टीचर करके देगा आपको. यही तो प्रॉब्लम है, वो घर आके थोड़ा कहेगा अच्छा नहीं हुआ, वो तो कहेगा 15 आ गया आंसर, तो नहीं है 15. तो क्या करना है, इसको मन में आर वेक्टर, ये आर. अब आर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 30. सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं, फिर आंसर देना. सपोज करो क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन है अब वो आपको ए वेक्टर देगा, आई कैप, जे कैप और के कैप. वो कहेगा खुद निकाल लेना मैग्नीट्यूड. कैसे? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, खुद निकाल लेना. वो आपको बी वेक्टर भी देगा, जैसे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर भी दे दिया. और वो पूछेगा फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड. ठीक, आपको क्या, तो वही क्वेश्चन सेम है, यानी कि वो क्या पूछ रहा है, आर वेक्टर का मॉड. आर वेक्टर का मॉड का मतलब क्या पूछ रहा है, सिर्फ आर. अब आर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा. ए की वैल्यू यहां पर क्या होगी, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 3. बी की वैल्यू यहां पर क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 6. आर की वैल्यू क्या होगी, बस इतना ही दूंगा, एंगल ना पूछना, नहीं है मेरे पास एंगल, और मुझे आर चाहिए, मुझे आर चाहिए कितना, 3. चेक करते हैं, कॉस थीटा की फॉर्म में नहीं चाहिए, पक्का आंसर चाहिए, 2, 4, 5, 10 जो भी निकाल लेगा, थीटा नहीं चाहिए, 3 आंसर है. थ्री,
चेक कर लेते हैं। चलो क्या किया आपने इसके लिए, थ्री के लिए? यहां पे एक ही जगह थ्री, ठीक है, रूट से तीन छ नौ प्लस दो इंटू रूट ऑफ अठारह कॉस थीटा, में थीटा तो पता ही नहीं, फिर आंसर कैसे आया थ्री पता नहीं। चलो कैसे किया, थीटा नाइनटी कैसे ना, ए भी ऐसे नहीं आएगा, आई कैप जे कैप ऐसे आएगा, एक वेक्टर के कंपोनेंट 90 पे आते हैं, ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर, कैसे, मेरी मर्जी है यार, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल कुछ भी बनेगा, एक मिनट पहले ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, ए वेक्टर के अगर कंपोनेंट्स बनते हैं वो 90 पे बनते हैं, ए वेक्टर के अंदर ये 1 1 1 90 डिग्री पे बनेगा, ए वेक्टर तो पता नहीं कहां बनेगा, अब बोलो कोई और मेथड कहां लगाऊं, कहां लगाऊं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट थ्री है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट सिक्स है, वो भी तो वही कह रहे हैं कि, वो कह रहा है कि रूट थ्री और रूट सिक्स 90 डिग्री पे है, पाइथागोरस लगा दो, वो भी तो वही कह रहा है, पर मैं कह रहा हूं कि तुम्हें कैसे पता कि ए वेक्टर और बी वेक्टर 90 पे है भाई, ए ऐसा भी तो हो सकता है ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, आई कैप जे कैप के कैप, हाँ ये 90 डिग्री पे है राइट, तो ए वेक्टर 90 पे थोड़ा ना हुआ। अच्छा अगर आज की बात मैं ये लिखूं कि सुनो, आज की बात ये लिखूं 1 i कैप प्लस रूट थ्री जे कैप, बस ये लिखता हूं ए, तो आप इसको मन में ये नहीं सोचोगे कि ये कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर ये एक्स है ये वाई है, ए वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट 1 है और वाई कॉम्पोनेंट रूट थ्री है, तो भाई एंगल क्या है 60 डिग्री नहीं आएगा, 60 डिग्री आएगा, क्या बात है, मैथ्स लगा दे 1, 1, 1 और डिस्टेंस फॉर्मूला, नहीं ए वेक्टर बी वेक्टर है, उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा ही नहीं, उसने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछा, उसने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो रिजल्टेंट वेक्टर है, फर्क है, क्या उसने कहा ये पोजीशन वेक्टर है, नहीं बोला, वो तो ए वेक्टर कह रहा है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा ही नहीं, क्यों निकाल रहे हो ए बी वेक्टर या बी बी ए वेक्टर, आ गया बोलो किसमें, आर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, वही तो निकालना है, किसका, आपको आर ही तो निकालना है, तो कैसे निकालूं बोलो, ए बी आ गया, आर कैसे निकालूं, ओके देखो आप ऐसा करें, क्योंकि मैंने आपको जान के कंफ्यूज किया, ये सोल्यूशन दिखा के इसका, ताकि आपका दिमाग इसी पे लगा रहे, इस क्वेश्चन में ये सोल्यूशन चलेगा ही नहीं, ठीक है, ये चाहिए ही नहीं मुझे, इसके बिना ही आंसर आएगा, देखो कैसे, क्योंकि मुझे पहले दिया हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो क्या करूंगा मैं यहां पर ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दूंगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर की जगह भी आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप पुट कर दिया, तो मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया, ठीक, तो आई को आई में करेंगे तो टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना आता है इसका, बोलो क्या, अंडर रूट ऑफ टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस, आंसर चाहिए ही नहीं, एंगल ढूंढते रहो, एंगल दिया होता फिर जो मर्जी करो, फिर ए का मैग्नीट्यूड है बी का मैग्नीट्यूड है थीटा पता है, तो रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, पर एक बात बताऊं मैं, अगर वो आई कैप जे कैप में दे रहा है उसको पता है एंगल देना बेवकूफ़ी है, क्यों देगा एंगल तुम्हें, उसे पता है कि ऐड करके वैसे रिजल्टेंट आ जाएगा आंसर खत्म, एंगल क्या करोगे, एंगल तब चाहिए जब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड गिवन है और थीटा गिवन है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, डाउट क्लियर है, तो बढ़िया तरीका है, अच्छा जिसको नहीं समझ में आता ऐसा कर ले, मुझे क्या निकालना है बताओ, ए वेक्टर प्लस, तो सपोज ये वेक्टर क्या है आर वेक्टर, तो ए वेक्टर की जगह पुट कर लो आई कैप जे कैप
के कैप, बी वेक्टर की जगह पुट कर लो आई कैप टू जे कैप के कैप, तो ऐड करोगे तो आर वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टू आई कैप थ्री जे कैप टू के कैप, और आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा निकाल लो यहां से आंसर, ऐसे कर लो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बंदा सोचता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला लग जाए, जरूरत ही नहीं। जब आई कैप जे कैप में चीजें चल रही हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाने का कोई फायदा नहीं है, सिंपल ऐड करके एंड में मैग्नीट्यूड निकाल दो, ज्यादा फायदा है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है, होमवर्क नोट कर लें, क्या करना है होमवर्क नोट कर लो, असाइनमेंट्स ओपन करो अपनी। असाइनमेंट्स के अंदर सब्जेक्टिव शीट नंबर 16 के अंदर 1 and 2 हमने कर लिए क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन करना है, एक मिनट, सेवन होमवर्क है, एक ये वाला क्वेश्चन भी था ना रिवर्स वाला, हाँ सिक्स होमवर्क है, क्योंकि रिवर्सिंग वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का है, आप लिखो होमवर्क, 5 homework है, 6 homework है, 7 homework है, 5, 6, 7, ठीक है यहाँ तक? एंगल देख लेंगे जो होगा। आपने ये 3 क्वेश्चन ये करने हैं, फिर उसके बाद शीट नंबर 17 में ध्यान से मार्क करना प्लीज, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, जिसमें सिर्फ ये पार्ट और ये पार्ट करना है, ये नहीं अभी करना, हमने मल्टीप्लिकेशन किया नहीं अभी, 3 पार्ट ये करने हैं, ठीक है? तो शीट नंबर कौन सी है, ये 17, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये करना है, सेकंड करना है, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट करना है, बस क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट करना है बस, क्वेश्चन नंबर सेवन करना है, क्वेश्चन नंबर एट करना है, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भी करना है, क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एंड एटीन भी करना है, ये करना है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स भी करना है, शीट नंबर नाइनटीन शीट में क्वेश्चन नंबर थ्री करना है, 1, 2, 3। नेक्स्ट है फोर करना है, सिक्स करना है, सेवन करना है, एट करना है, अच्छा 9 भी करना है।